तो उसके पीछे इस तरह के कारण भी होते हैं कि परिवार का माहौल ठीक है तो बच्चा भी खुश है, विद्यालय में आके जो आप कह रहे हैं या कोई टीचर जो भी सिखाने पढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसमें बच्चा सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी देता है। और पता लगा कि परिवार में ही लड़ाई झगड़ा मारपीट रोज होती रह रही है तो उसका बड़ा दुष्प्रभाव बच्चे पे होता है मनोवैज्ञानिक तौर पे, और वो सामान्य रूप से जो व्यवहार होना चाहिए असहज हो जाता है, बच्चा कहने का मतलब ये, और वो पारिवारिक कलहपूर्ण वातावरण का प्रभाव कक्षा में या विद्यालय में या उसकी शैक्षणिक और अन्य आगामी गतिविधियों में भी परिलक्षित होने लगता है। सर तो बहुत धन्यवाद सर आपको। शुक्ला सर को मैं ये नीचे वाला पॉइंट चाहता हूँ उस पर वो कुछ शब्द कहें। अध्यापकों का कठोर व्यवहार, कहाँ पर हमारा अध्यापक कठोर व्यवहार करता है? अक्सर अक्सर ऐसा देखा जाता है सर कि बहुत धैर्यशील अध्यापक भी कभी कभी बच्चों के साथ उनकी गलतियों पर उनको डांट देता है जिससे बच्चा वो उनसे उसका लगाव उस शिक्षक से कट जाता है और उससे बच्चा अपनी स्वाभाविक क्वेरियों को भी पूछने में शर्माने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में बच्चे का लर्निंग अधिगम प्राप्त होना सब मुश्किल होने लगता है धीरे धीरे और बच्चे कटने लगते हैं। साथ ही साथ अन्य बच्चों से भी उसका जब इंटरेक्शन होता है तो कहता है कि अरे शुक्ला सर के पास मत जाओ बहुत डांटेंगे, ये पूछोगे तो डांट, ऐसी एक धारणा बनने लगती है बच्चों में और धीरे धीरे बच्चे कटने लगते हैं और वो स्वाभाविक चीजें जो पूछना चाहिए वो भी पूछने से वंचित रह जाते हैं।